हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हम डिस्कस करेंगे हमारे 26 सितंबर को जो कोस्ट गार्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देरी के हम देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ हमें, सबसे पहले दिया हुआ हमें झील। क्या दिया हुआ? झील। झील का मतलब ये इंग्लिश है, कुछ क्वेश्चन है तो झील का मतलब हमारे पास कहता है जो काफी जोशीला हो, एंथुजियास्टिक हो, जो पूरा क्या हो, एंथुजियास्टिक हो, जोशीला हो। ठीक है, ऑब्सीन मतलब हमारा क्या होता है, कोई भी चीज जो क्या हो, अश्लील हो, इनडिसेंट हो। ठीक है, अगर इसका एंटोनियम पूछा है तो डिसेंट आ जाएगा, और अगर इसका सिनोनियम पूछा है तो इनडिसेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट हमारी क्या होती है, कोई भी चीज जो पारदर्शी होती है, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, आर पार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या, हमारी आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट हमारे पास क्या होती है, जो चीज कृत्रिम हो, क्या हो, कृत्रिम हो, ह्यूमन मेड हो। ठीक है, क्या हो, कृत्रिम हो, यानी ह्यूमन मेड हो। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ ह्यूमन काइंड हमारी क्या होती है, एंथ्रोपोलॉजी होती है। क्या होती है? एंथ्रोपोलॉजी होती है। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी होती है। ठीक है, उसके बाद जो एनिमल बोथ वाटर एंड जो लैंड पर रहता है उसे बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। ठीक है, एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, रेड कार्पेट मतलब किसी का वार्मली वेलकम करना, बहुत अच्छा वेलकम करना, वार्मली वेलकम, किसी का बहुत अच्छा वेलकम करना। ठीक है, उसे बोलते हैं तो रेड कार्पेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि एनालिसिस में पता चला है, नरेशन के जो हमारे एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, नरेशन से, ठीक है, वही से 3 से 4 क्वेश्चन और 10 से 2 से 3 क्वेश्चन पक्के पूछे जा रहे हैं। कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि भाई 10 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और एक अगर आपका अगली शिफ्ट में एग्जाम है, एक वोकैबुलरी क्लास है चैनल पर, वो जरूर देख कर जाना आप, क्योंकि ये दोनों उसमें से आए हैं। 40 मिनट की एक वीडियो डाली थी मैंने, उसमें इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर वोकैब कराई थी, तो ये दोनों वहीं से आए हैं, वहीं डिट्टो कॉपी मैंने ये दोनों करा रखे हैं। ठीक है, तो आप एक बार उसको देख कर जाना, अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, 2x स्पीड पर देख लेना, 2 गुना स्पीड पर, तो आपको अच्छे से वो समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो और 10 से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन भाई। ठीक है, और वॉइस से 3 से 4 वो बैलेंस बनाकर चल रहा है, एग्जाम एग्जाम पैटर्न बैलेंस बनकर चल रहा है भाई। अगर नरेशन के 1 से 2 आए हैं तो वॉइस के 3 से 4 आ रहे हैं, अगर नरेशन के 3 से 4 आए हैं तो वॉइस के 1 से 2 आ रहे हैं, ऐसे बैलेंस बनाकर चल रहा है। ठीक है, और भाई 5 फिलअप पूछे जा रहे हैं। क्या? 5 फिलअप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 5 क्या पूछे जा रहे हैं, फिलअप पूछे जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारे कुछ मेरे पास क्वेश्चन किसके हैं। अब देखिए मैथ में आपको मैं बता देता हूँ, मैथ में देखिए जो टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे कल वाली में, जो 26 सितंबर को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसकी बात कर रहा हूँ। टाइम वर्क से 3 क्वेश्चन, रीजनिंग में कोडिंग से 2, परसेंटेज से 1 और वर्ल्ड रिलेशन से 1, कंपाउंड इंटरेस्ट से 1। और ये क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, जितने क्वेश्चन मुझे सेक्शन 1 के मिले हैं और सेक्शन 2 के भी कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं, सेक्शन 2 के भी कुछ क्वेश्चन मुझे मिले हैं फिजिक्स और मैथ के, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे चलते देखते रहिए वीडियो को। ठीक है, अब कुछ जीके क्वेश्चन, जैसे ये पूछा गया था भाई आनंद मठ के उपन्यास के लेखक कौन है। देखिए मैंने इंग्लिश इंग्लिश ही हमारा तो इंग्लिश का चैनल है, वो मैंने आपको करा दिए, इनको आप में क्वेश्चन इसलिए ले आया मैं ताकि आपको सभी चीजें एक जगह देश को, ठीक है, टाइप कर कर। ठीक है, तो आनंद मठ के उपन्यास के लेखक पूछा गया था, भारत में सबसे अधिक कौन सी जाति पाई जाती है वो पूछा गया था, भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा, राष्ट्रगान के लेखक ये तो बिगेम चंद्र चटर्जी है। ठीक है, भारत में परमाणु ऊर्जा संस्थापक ये भाभा भांबा है शायद, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, सूर्यास्त के समय साइंस का क्वेश्चन है भाई, प्रकीर्णन के कारण दिखता है सूर्यास्त के समय रंग लाल होता है। ठीक है, वो मध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। ठीक है, जूल बटे सेकंड किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, तो बेसिक क्वेश्चन यही मुझे ही पता है। ठीक है, किसकी होती है, पावर की होती है। ठीक है, क्योंकि पावर हमारा क्या होता है, वर्क बाय टाइम होता है। ठीक है, ऐसे याद रखते हैं। ठीक है, भाखड़ा बांध कहाँ है, CFL की फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे किसमें पूछे गए थे, जीके में पूछे गए थे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तभी तक मैं आपको वो बता देता हूँ जो हमारे उसमें पूछे गए थे, कौन कौन से क्वेश्चन हमारे उसमें पूछे गए थे, सेक्शन 2 में पूछे गए थे, ये तो सेक्शन 1 के क्वेश्चन थे। और सेक्शन 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए, एक सेकंड वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए एक तो यहाँ पर एक दो तो जीके के क्वेश्चन लगा लीजिए भाई, लाल दानेदार मिट्टी 12 नंबर क्वेश्चन कहाँ पाई जाती है, लाल दानेदार मिट्टी कहाँ पाई जाती है, लाल दानेदार मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है, तो एक किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, एक जीके में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, एक पूछा था भाई जो हिमालय है, हिमालय पर्वत है, वो कौन से स्टेट को टच नहीं करता, वहां पर ऑप्शन दिए हुए थे, हिमालय कौन से स्टेट को
टच नहीं करता, कौन से राज्य को टच नहीं करता, है किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, क्लियर है भाई। ठीक है, और अब हम आपको थोड़े फेज टू की जो सेक्शन टू हमारा सेक्शन टू के कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, मैथ और फिजिक्स के सेक्शन टू के। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन होती है काइनेमेटिक्स की, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, इसे एक क्वेश्चन आया था फिजिक्स में। ठीक है, इजी क्वेश्चन आया था, इसे उत्प्लावन बल पर आया था, उत्प्लावन बल यानी बॉयंसीज फोर्स पर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉयंसीज फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल पर एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन हमारा ग्रेविटेशन का था, इजी क्वेश्चन बोल रहे हैं ग्रेविटेशन वाला, ग्रेविटेशन से तो एक तो क्वेश्चन पक्की आते एग्जाम में। ठीक है, ग्रेविटेशन से क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमारा किससे था, जो हमारी इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी आइडियल गैस इक्वेशन, उससे भी एक क्वेश्चन था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से भी एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पांच नंबर क्वेश्चन किससे था भाई, विस्कोसिटी का डायमेंशन पूछा था, किसका कोफिशियंट ऑफ जो विस्कोसिटी होता है हमारे पास, विस्कोसिटी जो कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी होता है उसका डायमेंशन पूछा था हमसे, क्या पूछा था, डायमेंशन पूछा था कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या पूछा था, जो एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी एंडोस्कोपिक, उसमें हमारे किसका यूज होता था, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज था। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद मैं कुछ आपको मैथ के क्वेश्चन बताता हूँ, मैथ का जो हमारा क्वेश्चन है, एक तो सेक्शन वन का ही मैथ का क्वेश्चन है, सेक्शन वन के मैथ के क्वेश्चन एक तो बता रहा हूँ आपको, वैसे दिया हुआ था √3 + √3 दिया हुआ था आपको, ये बताना था भाई रैशनल है या इरैशनल है। ठीक है, एक ऐसे था आपको 7√5 ऐसे था, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, देख लेता हूँ मैं एक सेकेंड क्या था, और 6√5 × 3√5 इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, रैशनल आएगा, इरेशनल आएगा, नेचुरल आएगा या होल नंबर आएगा, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, और किस टाइप का क्वेश्चन था हमारे पास, मीडियन निकालना था, एक क्वेश्चन में हमें दे रखी थी 7, 16, 21, 26, 31 और 13 शायद, इनका हमें क्या निकालना था, इस टाइप का मीडियन निकालना था। ठीक है, मीडियन निकालना था इनका। ठीक है, और क्या क्वेश्चन दिया था हमें, और किस टाइप का क्वेश्चन था, जैसे फिजिक्स में और क्वेश्चन किससे थे हमारे, एक इस फॉर्मूले से क्वेश्चन थे, एफ इज इक्वल टू एम ए से क्वेश्चन था। ठीक है, एफ इज इक्वल टू एम ए से क्वेश्चन था, एक हमारे जो करंट एनर्जी फॉर्मूला था, के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ से एक एक क्वेश्चन था पक्का भाई, जो इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बच्चे बच्चे। ठीक है, एक मैथ है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन होती है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन था, जैसे सेक्शन टू का एक क्वेश्चन क्या था हमारे पास, कोसिकेंट इनवर्स नहीं था, यहाँ पर कोसिकेंट था, फिर यहाँ पर कोट इनवर्स था, और यहाँ पर cot 3π/2 था, cot 3π/2 इस टाइप का एक क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद ऐसे पूछा गया था कि इस टाइप का क्वेश्चन था भाई, a² b² अगर c² अगर AP में, तो ABC किस में होंगे। ठीक है, एक इस टाइप का क्वेश्चन था, अगर a² b² इसमें है तो। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये मैंने सभी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर दिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी को कवर करके जाएं, सभी चीजें अपनी कवर करके जाएं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तभी तक के लिए तैयारी करते रहिए, जय हिंद।